बहन वीरू। वीडियो तिलहरी वुमेन्स क्लब के फाउंडर्स डे का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। में ये फेमस चर्चित जोड़ी जो शोले मूवी है 1975 में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी, जबकि बहुत चर्चित थी जय और वीरू की जोड़ी, सबने सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। तो आज उसी का अमिताभ बच्चन जी का जय का रोल में किरदार करने जा रही हूँ। यार जय, आज मैंने कुछ सोचा है यार, दो माइक हाँ यही ना कि तू शादी करने वाला है। तुझे कैसे पता चला जय? यार मुझे तो ये पता है, ये तेरा इस साल का शादी का 8वां फैसला है। अरे फाइनल यार। यार जय पार्टनर मेरा काम कर देना, वो तो बसंती है ना, उसकी मौसी से मेरी शादी की बात कर देना यार पार्टनर। ऐसा कुछ करके शगुन लेके कुछ इस ढंग से बात करना कि वो शगुन लेके मेरे घर आ जाए। मैं क्यों जाऊँ, तुझे शादी कर रहा है, तू जाके बात कर, तू चले जाना यार। मैं क्यों जाऊँ, अपना घर होगा, तेरा होगा, बीवी होगी तेरी होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे तेरे होंगे, पर चाचा चाचा तो तुझे बोलेंगे ना, तेरे कंधे पे झूलेंगे, सोच यार तेरे कंधे पे कभी झूलेंगे, कभी तेरे गोद में खेलेंगे, कभी बोलेंगे चाचा चाचा चाचू कहानी सुना दो। अच्छा मतलब मुझे अब तेरी शादी के बाद आया का नौकरी मिलने वाला है, समझा? कोई नहीं, इसलिए तो अकाड़ा है ना वीरू। चढ़ गई ऐसी दोस्ती पर। आज मेरा बाप जिंदा होता जय, आज मेरा बाप जिंदा होता अब तक मेरी शादी हो गई होती, मेरे तो छोटे 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 बच्चे होते, मेरी माँ जिंदा होती जय तो आज बसंती से मेरी शादी हो गई होती, मेरे बहने होते भाई होते आज बसंती के मौसी के पैरों पर पड़ के वो लोग मेरी बसंती से शादी करा देते। पर याद रखना जय, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान ये भगवान। गुड जय, तू नहीं है जय, बहुत नहीं है जय, तू मेरा दोस्त नहीं है जय, मैंने तुझे क्या समझा था साला नौटंकी। वाओ गुड, वेरी 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 गुड। इधर आ, चलते हैं बच्ची मौसी के पास तेरी शादी की बात करने। वाओ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आशा पारिक और हेलन का गाना लिया था हमने, उसमें आशा पारिक सिर्फ चेयर पे बैठती है, आपने अगर गाना देखा होगा। मैं कविता शर्मा गोरखपुर से, और ये मेरी देवरानी सीमा शर्मा, ये न्यू अभी मेंबर ज्वाइन हुई है, ये
उपाध्याय और मिसेस हेमा राय आइए। और बहुत अच्छी बात है कि ऑन द स्पॉट आप लोगों ने तैयारी करी है। ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है जो मुझे इतने दिनों बाद मिली, बहुत हगडे मना रहे और बिल्कुल अभी डिसाइड किया है, इसलिए बनेगा कुछ नहीं पर एंजॉय। मतलब पूजा अर्चना वंदना पुष्पांजलि ज्योति, हमारे मर्दों के नाम से सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो है घंटा। बेचारे पार्टी कोई भी बजा के चला जाता है। कॉम्पिटिशन ओवर हो गया, सब लोग वोट डाल रहे हैं, सबको चिट में दे दिए हैं, तो अपना वोट उसमें नाम लिख रहे हैं जो भी कंपटीशन किए थे, तो सबको बाउल में दूर करके ये बाउल में सब डाल रहे हैं। आप लोग न्यू मेंबर हैं ना, कैसा लग रहा है आप लोगों को, एंजॉय कर रहे हो? हैं? हाँ, आप लोग मेंबर में हो ना, जितने जितने भी न्यू मेंबर में होंगे सबको उनको मैं उसमें ऐड कर दूंगी ग्रुप में। हाँ, सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनने अभी एक्ट किया था। 66 हाउस ही चल रही है हम लोगों की। दिखाओ भाई टिकट कैसी है, पहले टिकट दिखाओ। टिकट कैसी है? थैंक यू। सब बिजी है ऐसे, बिल्कुल शांति छाई हुई है। सीमा भाभी हाउस ही खिला रही है बिल्कुल। 5 and 9 59 अच्छा एग्जैक्टली ओके। नेक्स्ट नंबर आउट 4 and 9 49 प्यास लगाई है। 49 बहुत एनर्जी आ रही है। मुझे भी बहुत प्यास लग रही है, पियो पानी। कौन सा डे हुआ आपका? 35 42 62 62 69 10 68 68। अब वो किसी को नहीं मिल सकता, सॉरी। गेम बहुत सिंपल है, म्यूजिक चलेगा तब तक हल्का सा डांस करिए, उसके बाद 4 स्टेप्स होते हैं। नहीं तो और भी है ना, मैं बता रही हूँ। सो एक पोज ये है प्रपोज, ठीक है। सेकेंड है एंगेजमेंट, प्रपोज किया तो अब शादी भी होगी, ठीक है। तो ये एक सेकेंड पोज है। थर्ड पोज है शादी, शादी पहले शादी तो कर लो, रूठना मनाना पहले हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ है दहेज या लड़ाई कभी दे, ठीक है। और ये सामने सामने खड़े हो जाओ, आवाज आ रही है सबके पास? जो नीचे बैठे थे वो आउट। ठीक है,
आप लीजिए पोज पोजेस में से कोई भी एक पोज ले सकते हैं, पोज बना के रहो, लकी गेम कुछ भी आ सकता है। जो पोज लेना चाहे चारों में से एक ले लीजिए। चेंज नहीं करिएगा, एंगेजमेंट और शादी के बीच में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है डिवोर्स वाला। पोज ले लीजिए, ये देखो डिवोर्स, डिवोर्स में हंसते नहीं है। चेंज उठने के बाद तक थोड़ी देर तक रही। अलेक्सा प्ले। नंबर वन है राधा कृष्ण, जो कि पूरे गेटअप में है और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इनको वोट्स ज्यादा मिले हैं। गेटअप वाकई में बिल्कुल राधा कृष्ण का ही है और दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण की मूर्त लग रहे हैं। तो बहुत बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, अनीता जी, सरिता जी। तो ये सब आप ही लोगों का किया हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये सारे वोट्स आप ही लोगों के दिए हुए हैं। सेकंड जोड़ी है जय और वीरू की। हाँ, एक बार डायलॉग बनता है। साला नौटंकी, आहा, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। थर्ड प्राइज गोज टू हेलेन एंड आशा पारेख। बहुत अच्छा किया था इन लोगों ने, सच में। फ्रेंड्स के लिए कॉन्सोलेशन प्राइजेज हैं, तो सभी लोग एक एक जोड़ी करके आए स्टेज पर, अपना कॉन्सोलेशन प्राइज ले मिल रहा है, है ना? चलो सारे आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, फोटो ले रहे हैं एक्चुअली। अनुपमा अंकल, चलिए सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भूल गई थी नाम भी और नंबर भी नहीं, मैंने इनको खोजा है। बहुत अच्छा लगा आप लोग, ये तो मेरे को अचानक मिले आप लोग बिना जान पहचान के, बिल्कुल न्यू सही में। क्लब का प्रोग्राम फिनिश हो गया है और बहुत थक गए सब लोग, बहुत एंजॉय किया सबने और सबको बहुत पसंद आया प्रोग्राम। जो न्यू मेंबर आए थे वो भी बहुत एंजॉय किए और जो गेस्ट में आए थे वो तो बिल्कुल मेंबर बनने के लिए रेडी हो गए, बोले बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। चलिए, ओके, गुड नाइट।